नमस्कार, मैं हूं आचार्य विनय कश्यप। प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न में सप्तमांश का फल क्या होगा। ठीक है, वृश्चिक लग्न में पहले सप्तमांश, द्वितीय सप्तमांश और तीसरे सप्तमांश, ऐसे सातवें सप्तमांश तक क्या क्या परिणाम होगा अगर किसी जातक उस सप्तमांश में जातक का जन्म होता है। तो उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि वृश्चिक के अगर पहले सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है तो उनका क्या होता है कि खुरदरे बाल होता है। बाल दिखे थोड़ा खुरदरेपन होता है और लड़ने झगड़ने पर वो हमेशा आगे रहता है, आमाद रहता है। लड़ने झगड़ने का प्रवृत्ति जातक पर रहता है। ठीक है, और देखिएगा कि उसकी जो शरीर पे कुछ लाली रंग की जैसा लगता है और इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करने वाला होता है। वैसा जातक वो शुक्ल घोर होता है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो शुक्ल घोर होता है वैसा जातक। आइए अब हम समझते हैं वृश्चिक लग्न में अगर द्वितीय सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है तो वो क्या होता है कि उसका जो शरीर पर चोट का निशान होता है। ठीक है, और वो लोग कुशल होता है, कोई भी काम करने में बहुत से कुशल होता है। और शरीर में ये क्या होता है कि किसी प्रकार का विकार रहता है, हाथ हो या पैर हो या शरीर में किसी भी अंग का कोई विकार जातक के ऊपर रहता है। और साथ ही साथ ये लोग बहुत से विषय का अच्छा जो है जानकार होता है अगर वृश्चिक लग्न की द्वितीय सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है। आइए समझते हैं कि वृश्चिक लग्न की अगर तृतीय सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो बोलने में कुशल होता है। और ये लोग शारीरिक रूप से बहुत इतना स्ट्रांग नहीं होता है, शारीरिक रूप से वीक होता है और गुरुजनों को कम प्यार करने वाला होता है। भगवान को हो या गुरुजनों को हो इतना आदर सम्मान वो लोग नहीं करते हैं और कठोर हृदय का होता है ऐसा जातक। उसका हृदय जो है कठोर होता है। आइए समझते हैं वृश्चिक लग्न की चौथे सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो कार्ली हेयर होता है। ठीक है, और उन लोगों का जो क्या होता है कि दांत में पता चलता है कि वो कुछ मोटे और लंबे दांत होते हैं उन लोगों का। और बोलने में क्या होता है कि खुद ही ऐसा माहौल कर देता है कि उसमें उसकी बोली के कारण क्या होता है कि खुद ही परेशानी में घिर जाता है। किसको क्या बोलना चाहिए वो इतना बेखूबी उन लोगों को मालूम नहीं चलता है, इसलिए अपने बोलने पर अपने आप ही वो परेशानी में घिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा अभिमानी होते हैं छोटे सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है। आइए समझते हैं कि वृश्चिक लग्न के पांचवें सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो उसका जो कमर होता है पतला कमर होता है, पतली कमर और अच्छा वक्ता होता है, बहुत कुशल बोल सकते हैं वो जातक। और जुए और सट्टे की थोड़ा उन लोगों पर जुआ सट्टा का आदत रहता है, जुआ सट्टा का रुचि उन लोगों पर रहता है। और ये और क्या होता है कि ये लोग अपने काम मन बना बखूबी जानते हैं, बहुत भली भटी अपने काम को वो लोग दूसरों से करवा लेता है और कार्यों में वो लोग कुशल होता है। और ये लोग एक बात है कि चतुराई में ये लोग इतना चतुर व्यक्ति नहीं होता है, कुछ किसी को अगर कुछ बोले तो बोल के वो अपना काम करवा तो लेता है लेकिन चतुराई उन लोगों में नहीं होता है। माफ कीजिएगा, चौथे सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो कोमल स्वभाव वाला होता है, स्वभाव से कोमल होता है, धार्मिक होता है और
कर्तव्य परायण होता है, कोई भी काम अगर वो करता है बहुत दिल से करता है, और साथ ही साथ ये लोग बुद्धिमान होता है, ठीक है, और वो बुद्धिमान का साथ ही वो लोग उदार भी होता है, दूसरों के ऊपर वो लोग बहुत उदारता दिखाता है। आइए समझते हैं वृश्चिक लग्न के सातवें सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो लड़ने पे उतारू रहता है वो लोग, झगड़ा करना लड़ना उन लोगों का आदत रहता है, ठीक है, ऊंची नाक होता है उन लोगों का और मोटा हड्डी देखिएगा उन लोगों का, मोटा मोटा हड्डी होता है और कुछ शरीर का जो रोम होता है वो भूरे कलर का होता है, लेकिन वो जातक जो है प्रसिद्ध होता है, वो समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकता है। तो यही था वृश्चिक लग्न के सप्तमांश के बारे में। आप लोग भी लगाइए अपनी कुंडली में कि कौन सी सप्तमांश में आपका जन्म है, अगर वृश्चिक लग्न है, या आपके दोस्तों के वृश्चिक लग्न है तो कौन सी सप्तमांश में उसका जन्म है वो दिखिए। आपके घर में अगर किसी के वृश्चिक लग्न है तो उसका कौन सा सप्तमांश में जन्म है देखिए, और क्या क्या दर्शा रहा है वो आप नोट कर लीजिएगा, तभी आप अगर किसी का फलादेश करोगे तो बहुत सटीक फलादेश कर पाओगे, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे चीज़ को हम जाने परखे तभी जाके हम ज्योतिष जो है बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे और उसका फलादेश जो है बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज हमने जाना वृश्चिक लग्न के सप्तमांश के बारे में, आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि धनु लग्न के सप्तमांश क्या होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।